हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास एट की कॉर्डोवा पब्लिकेशन की साइंस की बुक से और हम आप पहुंचे हैं इसके एंड पर और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की सो कॉरोजन ऑफ मेटल्स अब हम करेंगे द प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटेन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देअर सर्फेस इज कॉल्ड कोरोजन अब कॉरोजन क्या होता है जंग लगने को हम क्या कहते हैं कॉरोजन कहते हैं ये बात आपने देखी होगी कि मेटल का कोई भी हमारे पास सामान होता है प्रोडक्ट होता है तो उस पर जंग लग जाता है जंग कैसे लगता है जब हमारे एयर में मॉइस्चर होता है ठीक है उस कंडीशन में वो क्या करता है वो रिएक्ट कर जाता है और सरफेस जो है वो रिएक्ट कर जाती है जिसकी वजह से क्या होता है उस पर जंग लग जाता है बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके घर में यूज़ करने वाला अगर मैं कहूँ वाइपर uh, वाइपर में एक कोई ना कोई पेंच ऐसा होता है कोई ना कोई नेल ऐसा होता है जो कि uh, उसका होता है आयरन का होता है तो आप उसमें देखते हो कि उसमें बहुत जल्दी जंग लगता है और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में तो हर चीज़ में जंग लगता है इवन यहाँ पर तो स्टील यहाँ का पानी इतना ख़राब है कि स्टील में भी जंग लग जाता है ना स्टील को अगर आप ज़्यादा टाइम तक uh, सही से ना रखो उसको और पानी के उसमें रहेगा तो वो जंग लग जाएगा लेकिन जैसे कि आयरन पे लगता है कि जैसे ही वो मॉइस्चर के और एयर के कांटेक्ट में आया तो उसके सरफेस पे जंग लग जाता है ऐसा स्टील के साथ नहीं होता है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो स्टील को तब ही स्टील में जंग लगता है वो भी उस कंडीशन में जब आपने छः सात महीने के लिए अपने स्टील के किसी प्रोडक्ट को फेंक दिया है बाहर वो गल रहा है सड़ रहा है पानी में बारिश में धूप में हर चीज में है तब आप उस चीज़ में जंग लगावा पाएंगे ठीक है लेकिन जब हम बात आयरन की कर रहे हैं तो आयरन के केस में वो एकदम से लग जाता है फॉर एग्जाम्पल आयरन कॉपर एंड सिल्वर आर्टिकल्स गेट कॉरोडेड इन डैम्प एयर तो आयरन कॉपर और सिल्वर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं वेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और मॉइस्चर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद द रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन तो ये जो रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है इससे कवर हो जाता है अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को जो आयरन का है उसको आप बाहर मॉइस्चर में रख दोगे तो वो जंग उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन मेटल कम्बाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं क्योंकि ये बात हम जानते हैं मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर और सनलाइट uh, में uh, की प्रेजेंस में होता है एयर की प्रेजेंस में होता है जो कि एयर जो है ऑक्सीजन है सो so ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा ये जंग लग जाएगा सो रेडिश ब्राउन कलर का होता है आप यहां पर ये इक्वेशन देख सकते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आपको मिल जाएगा जो कि जिंक जंग की एक फॉर्म होती है अगर आपसे कहा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन की आप इक्वेशन लिख के दिखाओ तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ठीक है When a copper object remains the, in the damp air for a long time, it reacts slowly with carbon dioxide and water of air. It loses its shine due to formation of green coating of copper. अब उसको बहुत ज़्यादा time के लिए आपने उसको छोड़ दिया है पहले तो ये था कि आपने एक महीने के लिए छोड़ा तो उसके ऊपर एक layer आ गई जिसको हमने rusting of iron कहा फिर उसके बाद क्या होगा कि अब उसको किसी भी copper object को अगर आपने छोड़ दिया है तो उसमें क्या होगा उसके ऊपर कौन से कलर की लेयर आएगी ग्रीन कलर की लेयर आएगी आयरन पे कौन से कलर की लेयर आई थी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आई थी तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉपर पे कौन से कलर की आएगी और आयरन पे कौन से कलर की लेयर आएगी उसका रीजन ये है अगर आपको कलर पता होगा तो आपके लिए इक्वेशन बनाना आसान होगा ठीक है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई जंग कैसे लगता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को है ना तो उससे क्या बन रहा है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड लेकिन जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का बहुत कम लोगों को पता होता है कि जंग कैसे लगता है और इसका कलर क्या होता है तो जब भी हम कॉपर ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में छोड़ रहे हैं मॉइस्चर में छोड़ रहे हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जबकि आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर कौन से कलर की कोटिंग आती है ग्रीन कलर की कोटिंग आती है किसके ऊपर आती है ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर के ऊपर और ये देखो आप ये क्या बनाएगा अब यहां पर हम देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन वाटर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर वेन सिल्वर ऑब्जेक्ट्स आर कैप्टिन एयर दे गेट टर्निश एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थी सिल्वर सल्फाइड लेयर ऑन देअर सरफेस बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन दयर ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में पायल जिसके जो एंकलेट्स होती हैं अगर आपकी मम्मी पहनती है तो आप देखते होंगे कि उसका जो कलर है ना वो एकदम से काला पड़ जाता है उसका रीजन यही होता है जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक थिन लेयर हो जाती है सिल्वर सल्फाइड की ठीक है और इस में किसके साथ रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ आपको तीनों के साथ रिएक्शन पता होना बहुत जरूरी है आयरन के केस में हो रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कॉपर के साथ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन सिल्वर के साथ हो रहा है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ठीक है और ये तीनों चीजें कहाँ पर हैं हमारी एयर में प्रेजेंट है ठीक है नाउ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई हमारा कोई भी प्रोडक्ट क्रोजन ना लगे उस पर जंग ना लगे corrosion of metals can be prevented by preventing their contact with air and water it can be done as follows oil grease or paint is applied on the surface because it keeps the metal metal away from air and moisture agar hum kisi bhi metal surface पर कोई भी oil या grease या paint कर देंगे तो तब भी बहुत सारे बहुत ज्यादा chances होते हैं कि इस दंग जो है वो जल्दी से नहीं लगेगा लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय डिपिंग इट इनटू मोल्टन जिंक दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन गैल्वनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जंग लगने से रोक सकते हैं क्या कर सकते हैं अ लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट को ऊपर अगर हम एक जिंक की लेयर लगा देंगे तो उसे क्या होगा तब भी जंग नहीं लगेगा लेयर ऑफ अनदर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तो होता है गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं कोटिंग कर रहे हैं किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या कर रहे हैं किसी भी अदर मेटल की कोटिंग कर रहे हैं ताकि उस उसपे जंग ना लगे अ यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्मड ऑन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग अब एक एनोडाइजिंग भी प्रोसेस होता है जो कि हम सिर्फ एलुमिनियम ऑब्जेक्ट्स पे यूज करते हैं ठीक उस है उसमें क्या कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगाएंगे जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगेगा सम अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आर मिक्सड विद द मेटल ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एलोइंग अब एक एलोइंग ऑल्सो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स कर सकते हैं अदर मेटल के साथ जिसकी वजह से क्या होगा कि हम बचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को जंग लगने से एलॉयज एलॉयज़ क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स ऑफ और टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एलॉन्ग विद मेटल्स इज नोन एज एलॉय अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है होमोमीन सेम मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स किसी भी सेम टाइप के दो मिक्सचर में तो या तो मेटल हो या मेटल नॉन मेटल के साथ हो वो क्या कहलाता है एलॉय कहला जाता है अब इसमें हम कैरेक्टरस्टिक देख लेते हैं क्योंकि जब तक आप कैरेक्टरस्टिक नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेसिकली एलॉय क्या होता है क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन का मतलब बता दिया लेकिन अब आपको आगे समझ में नहीं आया क्यों नहीं समझ में आया क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल नहीं करे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इसको समझ सकें एलॉयज आर जनरली हार्ड एलॉयज जनरली हार्ड होते हैं जैसे कि कार्बन एडिड टू आयरन टू इंक्रीज इट हार्डनेस आयरन में अगर हम कार्बन को एड करेंगे तो हार्डनेस बढ़ जाती है इसीलिए इस ये दिस फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड स्टील इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं स्टील कहते हैं जो कि बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है जैसे कि शिप्स में ब्रिजेस में वहीकल्स में अब आपको समझ में आया दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन ये जनरली रेजिस्टेंट है कोरोजन के जैसे कि एलाय ऑफ आयरन क्रोमियम और निकल इज नोन एज स्टेनलेस स्टील इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड इज यूज फॉर मेकिंग कटलरी यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कटलरी यूटेंसिल मतलब जो फॉर्क uh, वगैरह होते हैं स्पून होते हैं ये कटलरी यूटेंसिल्स होते हैं आपके तो इसमें और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं जो सर्जरीज में काम आते हैं जैसे कि सीजर्स हो गई जितने भी फोरसेप्स वगैरह हो गए वो सारे क्या है? आपके हैं आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलॉयज़ हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर एग्जाम्पल क्रोम स्टील इज़ एन अलॉय फॉर्म बाय मिक्सिंग आयरन क्रोमियम क्रोम स्टील एक अलॉय है जिस जो कि किस चीज़ से बनता है मिक्सिंग आयरन और क्रोमियम को मिक्स करके बनता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है इसीलिए एक्सेल बनाने में कटिंग टूल्स बनाने में इसको यूज किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जल्दी से टूटता नहीं है सम ऑफ देम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट कुछ के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जैसे कि सोल्डर एक अलॉय है जो कि टिन और लेड को मिला के बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है टिन और लेड से इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करने में यूज किया जाता है सम अदर अलॉयज जो हैं और उनके जो यूजेज हैं वो यहाँ पर गिवन है ब्रास ब्रॉन्ज डूरेलीम सॉरी ड्यूरेलमिन एंड जर्मन सिल्वर यहाँ पर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस अच्छे से आप पढ़ सकते हैं देन हम यहाँ पर एक माइंड मैप देख लेते हैं इस चैप्टर का जो माइंड मैप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है ठीक है हमने सबसे पहले मेटर के बारे में पढ़ा था प्योर सब्सटांसेज और मिक्सचर के बारे में पढ़ा है देन एलिमेंट्स कंपाउंडस के बारे में पढ़ा है देन उनकी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है नॉन मेटल्स में हमने उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ी हैं उसी तरीके से हमने मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ी हैं ठीक है देन हमने मेटल्स में ही कॉरोजन भी पढ़ा है जो हमने अभी कंप्लीट किया है ठीक है उसके बाद जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हमने अलग अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ एसिड के साथ और बेस के साथ ठीक है इसी तरीके से जब हमने नॉन मेटल्स की पढ़ी थी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी वो प्रॉपर्ली हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे वो आ, हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स को और किस तरीके से हम कोरोजन होने से किसी भी मेटल को आयरन ऑब्जेक्ट को कॉपर ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मैं जल्द ही ये आ, इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो अपलोड करूंगी एंड सॉरी फॉर द डिले कि मैं पिछले तीन वीक से बिल्कुल भी एक भी वीडियो नहीं डाल पाई थोड़ा सा मैं बिजी थी अपने किसी काम में उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे और मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे दैट्स ऑल थैंक यू